किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि 67वां दिन किसान आंदोलन का। इस दिशा में आपको बता दें, किसान जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर 67 दिनों से अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या एकाएक बड़ी है। गाजीपुर बॉर्डर में हालांकि रातों रात 12 लेयर के बैरिकेडिंग बढ़ा दी गए, NH-24 को भी बंद कर दिया गया है। और स्वामींद्र किसान नेता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वामींद्र जी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, तो फिलहाल आपको जानकारी यहां पर दे दें कि किसान, चलिए स्वामींद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? जी मिल रही है। चलिए, स्वागत है आपका सर। और सवाल मेरा यही है, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन अब आगे किस रणनीति के साथ अब किसान आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए, हम गांधीवादी लोग हैं। कल आपने देखा कि कल पूरा दिन किसान, जितने भी हमारे मोर्चे थे, वहां सभी किसान संगठनों ने धैर्यपूर्वक महात्मा गांधी की जो शहीदी दिवस था, उस दिन हम लोगों ने शांतिपूर्वक बैठकर जो धरना दिया और हमने उनको याद किया और ये प्रण लिया कि महात्मा गांधी जी, हम आपके बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, भले ही विरोधी और सरकार का षड्यंत्र द्वारा कितने ही लोग हमारे पत्थरबाजी करें, आगजनी करने की कोशिश करें, हमें मारने की कोशिश करें, हम धैर्यपूर्वक देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्रहित में किसान की आवाज को उठाने का काम करेंगे। ठीक स्वामींद्र जी, लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं हमने आखिरी ऑप्शन दे दिया है और वो ऑप्शन अभी भी वैलिड है, यानी वो ऑप्शन अभी भी किसानों के पास है। 1.5 साल तक रोक के लिए सरकार का स्टैंड क्लियर है। किसान बताएं कि उन्हें क्या करना है, क्या कहेंगे सर? अंजलि जी, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, प्रधानमंत्री जी जो अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, वो उनकी छवि को अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े विनय के साथ, जिस प्रकार को बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, उदारवाद को लेकर किसानों से बात करनी चाहिए। किसी बात पर अगर हम अड़ियल हो जाए, हट जाए कि ये हमारी बात है, मान लो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर जाओ, हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है, ये सरकार को कहीं की शोभा नहीं देता। सरकार की जो मर्यादा होती ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से, किसी कानून से वो परेशान है, तो सरकार उस परेशानी को दूर करे, ना कि उसको ये कहे कि हम तो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही चलेगा। ये वक्तव्य प्रधानमंत्री का ठीक नहीं है, उन्हें पुनः विचार करना चाहिए। और आज जब वो मन की बात करें तो स्पष्ट करें कि वो राष्ट्र हित में, किसान हित में क्या करने जा रहे हैं, क्या किसान जो लगातार इस बात को लेकर अड़े है, इस बात को लेकर सरकार के सामने खड़े है कि सरकार ये कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है, और आपने खुद माना है ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाया गया था। खुद नरेंद्र तोमर जी ने कहा और ये भी माना कि हाँ, इनमें विसंगतियां हैं, इनमें गलतियां हैं, इसको सुधार किया जाएगा। सुधार से अच्छा यह है कि इसको निरस्त करके पुनः उदारवादी तरीके से किसानों से वार्ता करके अच्छे कानूनों की पहल की जाए। स्वामींद्र जी, लेकिन आपको लगता है कि 26 जनवरी को जो भी कुछ लाल किले पर हुआ, उसके बाद स्थिति में कुछ हद तक बदलाव आया है किसान आंदोलन को लेकर जो तस्वीर है? क्योंकि हमने देखा सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जो आसपास के स्थानीय हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, उनका कहना है कि ये आंदोलन की आड़ में जो कुछ चल रहा है उसे बंद किया जाए या इस आंदोलन को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आसपास के इलाकों में इससे अराजकता बढ़ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अब बॉर्डर पर, कई बॉर्डर्स पर आपने देखा होगा ऐसी तस्वीरें आई हैं, अभी तो बीच में लाठी चार्ज करना पड़ा था पुलिस को स्थिति को शांत करने। अंजलि जी, ये जो भ्रम की स्थिति आज देश में फैलाई गई और ये बताया गया कि कुछ धार्मिक संगठन अपने धार्मिक झंडे को वहां पर, जो खाली पोस्ट थी वहां लगाने का हमने काम किया, वाक्य निंदनीय है। पर ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, किसानों द्वारा किया गया प्रायोजित था, वास्तव में ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दामन है वो भी दाब से अछूता नहीं रहा, ये सब लोगों ने जाना, लोग देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा है कि किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, क्या जो किसान साथी आपसे वार्ता करते हैं, वो 40 जो हमारे प्रतिनिधि आपसे वार्ता करती हैं, क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना, उन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दायर करना, NI के नोटिस भेजना, क्या ये नहीं, वो सब तो 26 तारीख के बाद हुआ ना स्वामींद्र जी, वो सब तो 26 तारीख के बाद ही हुआ ना, मुकदमे जो दायर हुए हैं बड़े बड़े किसान नेताओं पर जिनके नेतृत्व में किसान आंदोलन निकला, और 26 तारीख को वो रूट जो कि तय ही नहीं था वहां पर चले गए थे उपद्रवी या आंदोलन की आड़ में जो उन्होंने ये काम किया।
अंजलि जी, एनआई का नोटिस जो है 26 से पहले आया है, आपको मालूम है, और ये नोटिस जो है देशद्रोह के नाम से आया, किसानों को नोटिफाई किया गया है। ये गलत बात है, ये वार्ता का एक अच्छा तरीका नहीं। जब सरकार सक्षम है हर काम कर और पूर्ण बहुमत की सरकार है, और सरकार को तो किसी और से राय नहीं लेनी, ये नहीं कहना कि हमारे सहयोगी दल हमारा कहना नहीं मान रहे इसलिए हम कानूनी वापस देते। सरकार पता है कानूनों को क्यों नहीं वापस देते, इस सरकार को बताना होगा, देश को बताना होगा कि आज देश का जनमानस दिल्ली के दहलीज पर खड़ा है, और सरकार को लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। देश के लिए सरकार है, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर घरानों के लिए सरकार है, इस सरकार को क्लियर करना होगा जी। स्वामेंद्र जी, लेकिन अब आगे क्योंकि बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा, तारीख तो आप लोगों को मिली नहीं है अगली, अभी सरकार आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रही है। आप लोगों ने कह दिया है कि भाई हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, आप लोग अब इसका फैसला करिए। तो अब बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, अभी संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है, आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन आगे क्या क्या आप लोग यही बॉर्डर पर डटे रहेंगे जब तक समाधान नहीं निकलेगा? अंजलि जी, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी नहीं कहा कि हम बॉर्डरों पे डटेंगे। हमने कहा कि हमारे को दिल्ली आने दें, हम रामलीला मैदान में आराम से शांति तरीके से धैर्य पूर्वक, जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था, जैसे पूर्व में और लोगों ने आंदोलन चलाया, वैसे हम आंदोलन चलाना चाहते हैं। ट्रैक्टर यात्रा के बाद सर, देखिए ट्रैक्टर यात्रा के बाद जो हुआ था उसके बाद दिल्ली आने पर ऐसा कोई हुड़दंग ना हो या कुछ ना हो, इसकी गारंटी कौन देगा फिर? देखिए, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस ने कि कानून व्यवस्था बनाना दिल्ली पुलिस का काम है, वो पुलिस से ना पूछे। वही बात मैं कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस अपनी मर्यादा का पालन करे। ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं कि दंगाइयों के साथ दिल्ली पुलिस हाथ मिलाती नजर आ रही है, वो हाथ किस बात का मिलाना है? और ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं, मीडिया से ही निकल कर आए हैं कि उन लोगों को अंदर जाने दिया गया, तो वे लोग क्यों अंदर? भीड़ जब हमला करेगी, किसान भीड़ बैठा हुआ था, उसे क्यों आप आंदोलित करना चाहते हैं, क्यों उसे आप? इसीलिए तो स्वामेंद्र जी मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं रामलीला में जाने दें, उस दौरान जब जाने दिया गया था तो उसमें हंगामा हुआ, आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने हटाया बैरिकेडिंग और इस वजह से ये कुछ हुआ। अब भीड़ अगर हमला करेगी, भीड़ अगर बैरिकेडिंग तोड़ेगी, ऐसी स्थिति में कोशिश तो अब यही है ना कि एक सीमित संख्या हो लोगों की जो रामलीला मैदान में वहां पर जाकर प्रदर्शन करें किसान, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में अगर कुछ होता है, चलिए जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की भी बनती है, लेकिन किसान नेताओं को भी तो इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि परेशानी तो लोगों को होगी। जी, मैं बिल्कुल कहता, किसान संगठन किसी भी तरह से अपनी दायित्व से पीछे नहीं हट रहे। अगर कोई संगठन भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा किसी को उठाने का काम करता है, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे, ऐसे में कल्पित बीच में घुस जाते हैं, जबकि उनको पकड़ पकड़ के संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको दिया है, भले वो टिकरी बांट रहे हो, सिंधु बांट रहे हो, गाजीपुर बांट रहे हो, उन दंगाइयों को पकड़ के क्या पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया? अभी तक पुलिस ने यह बात भी क्लियर नहीं की, लोगों को समाज दुनिया को बताने का ये काम नहीं किया, भारत को बताने का काम नहीं किया कि जो लोग कल भी पकड़े गए थे उन पर यह कार्रवाई हुई है। अभी तक दीप सिंधु आप देख रहे हैं जिसने ये बड़ा हंगामा किया, उसकी गिरफ्तारी के बारे में कोई साक्ष्य हमारे सामने अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। देश इंतजार कर रहा है कब वो कल भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इसका प्रोग्राम किया। नहीं, उस दीप संधू की बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, उस पर मामला दर्ज हुआ है, उसको बोला गया है कि आप आइए और आपसे पूरे जो मामले पर पूछताछ की जाएगी, हालांकि उसकी तरफ से लगातार वीडियो जारी किया जा रहा है और दीप संधू ने कहा है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। हालांकि ये बात, अगर इस तरीके के लोग जो है वो समर्थन देते हैं तो क्या आप लोगों को ऐसे लोगों का समर्थन चाहिए, लखा सिदाना या दीप संधू जैसे, क्योंकि उन लोगों की भी वीडियो इस आंदोलन के जरिए इस दौरान वायरल हो रही थी, शायद आपने भी देखा हो तो। अंजलि जी, आप जानती हैं जब ऐसे घृणित कार्य जब लोग करते हैं उनके पीछे खुद देखा होगा, किसान उनके पीछे भागे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि किसानों ने घेरा भी था और वो किसी उनके सहयोगी द्वारा मोटरसाइकिल में भागा, और तमाम ऐसी बातें हम विजुअल से देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खराब करने के लिए बैड एलिमेंट घुस गए हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा किसी कीमत पे इन लोगों को अपने साथ लेकर चलने को नहीं राजी है, और ना ही उनको इस आंदोलन में बुलाते हैं और ना ही हम बुलाना चाहते हैं। स्वामेंद्र जी, क्योंकि अब जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जो लगातार अपने आंदोलन को तेज किए हुए हैं, तमाम किसान नेता जिनके नेतृत्व में पिछले 67 दिनों से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे इसका क्या होने जा रहा है, क्या आप लोग स्ट्रांग एक्शन जो है स्ट्रांग एक एक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आंदोलन हो रहा है, बात हो रही है, लेकिन
आगे क्या होगा इसकी रणनीति, अगर आप कुछ हमें बता सके, क्योंकि इससे पहले संसद मार्च का भी आप लोगों का कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा जो कुछ हुआ उसके बाद, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं क्योंकि बातचीत तो अभी हो नहीं रही है शायद। जी, कल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम लोग बैठे रहे और यही मंथन रहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अगली रणनीति जो है गांधीवादी तरीके से चलाएगा। तो आज मीटिंग रखी गई है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि कल हम सारा दिन इसी में व्यस्त है कि महात्मा गांधी जी को जो श्रद्धांजलि देनी है वो शांति से हो जाए, और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा चला और पूरे देश ने आपने देखा कि जन जन चलकर आया और महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए लोग शांति से बैठे रहे और भूख हड़ताल पे रहे। तो आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद जो भी हमारा निर्णय होगा वो आप लोगों प्रेस के माध्यम से अब बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता, और जाहिर तौर पर आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने जा रही है उसमें आगे की रणनीति तय होगी और वो भी जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी, ऐसा कहा है स्वामी इंद्र जी ने जो हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। और उन्होंने बताया है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो भी साजिश की जा रही है उसे नाकाम करके रहेंगे हम, और सरकार के साथ बातचीत हमारी तरफ से लगातार जारी रहेगी।